यार इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ। ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना कि भैया पढ़ाई के समय नींद आने लगती है, पढ़ने में मन नहीं लगता, 3 घंटा बैठ नहीं पाते हैं, 2 घंटा पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। जब पढ़ाई करने की शुरू करते हैं तो उस समय में टायर्डनेस फील होने लगता है, लेजीनेस फील होता है, एनर्जीलेस महसूस होता है। भैया ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें क्लियर वे में मिल जाएगा। और अगर तुम इन सारे सॉल्यूशन को अपने लाइफ में उतारोगे, अपने डेली शेड्यूल्स में उतारोगे ना, तुम एक अपने आप को एक बदलता हुआ इंसान देखोगे। और तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जामिनेशन में तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, ये मैं लिख के दे दे रहा हूं। तो आराम से इस वीडियो को पूरा देखना, तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें क्लियर कट पता चलेगा, अरे ये था सॉल्यूशन, काश मुझे पहले कोई बताता तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शशि कुमार एंड करंटली आई एम पर्सुइंग माय थर्ड ईयर एमबीबीएस। पिछले 3-4 सालों में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने में मदद करा है। तो आज के इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूं, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। अगर तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो और 12 से 13 घंटा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, बस सो रहे हो, पढ़ते वक्त एनर्जीलेस फील कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ये जो भी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम से अगर तुम सफर कर रहे हो तो सोचना मत कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए कंटिन्यूअसली 12-13 घंटा फोकस्ड होकर पढ़ाई करना होता है, रिग्रस मेहनत करना होता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। और ये मेहनत मैंने भी करा। जो स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में आते हैं, जो स्टूडेंट्स IIT में जाते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, ऐसे किसी का सिलेक्शन नहीं होता, सो के कभी सिलेक्शन नहीं होता। सॉल्यूशन मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसको बस फॉलो करना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस वीडियो में तुम्हें पहले रीजन बताऊंगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है, उस रीजन का फिर मैं सॉल्यूशन दूंगा। एक और चीज बता रहा हूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं 3 डेज का चैलेंज दूंगा, प्लीज एटलीस्ट वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना और तुम खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। आखिर क्यों हमें पढ़ते वक्त नींद आ जाती है? मुझे एक चीज बताना कि जब तुम सिनेमा हॉल में कोई मूवी देख रहे होते हो, जब तुम मोबाइल में कोई मूवी देख रहे होते हो, क्या उस समय तुम्हें नींद आती है? अच्छा एक चीज और बताना कि अगर मूवी खत्म होने के 4 घंटा बाद मैं तुमसे एक चीज पूछूं, अच्छा बताना कि इस सीन में यहां पे क्या हुआ था, एक्टर ने क्या करा था, तुम एज इट इज बता दोगे जैसा कि मूवी में हुआ होगा? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बस एक चीज है कि तुमने उस मूवी को फोकस्ड होके देखा, इंटरेस्ट के साथ देखा, इसलिए तुम्हें हर एक सेकंड उस मूवी का पता है। एक और सबसे बड़ा रीजन है कि तुमने उस मूवी को 2x स्पीड पे नहीं देखा, 2x स्पीड पे नहीं देखा, 1.5x स्पीड पे नहीं देखा, तुमने उसे नॉर्मली स्पीड पे देखा, इंटरेस्ट के साथ। याद रखना, जब हम कोई लेक्चर देख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, 2x स्पीड पे बढ़ा देते हैं, देखे जा रहे हैं। भाई लेक्चर जो होगा ना, तुम्हारा लाइफ बदल देगा, वो मूवी तुम्हारा लाइफ नहीं बदलेगा। और जो चीज तुम्हारा लाइफ बदल देगा, उस चीज को तुम 2x स्पीड पे देख रहे हो, भाई ये तो बेवकूफी कर रहे हो ना। मुझे बताना है, अगर तुम ये मेरा वीडियो देख रहे हो सकता है मेरा भी वीडियो को तुम 2x स्पीड पे देख रहे होगे। यार जो नॉलेज वाली चीज होती है उसको तुम 2x स्पीड पे देख रहे हो, आखिर क्यों? मैं इसके पीछे रीजन बता रहा हूं, जब तुम किसी चीज को स्पीड इंक्रीज, हमारा ब्रेन जो होता है ना, हमारा ब्रेन का कुछ कैपेसिटी है कि अगर तुम 1 घंटा पढ़ाई करते हो तो 1 घंटा में कुछ इतना अमाउंट ऑफ नॉलेज ये ब्रेन आसानी से स्टोर कर सकता है। लेकिन यार तुम कर क्या रहे हो, 1 घंटे के नॉलेज को आधा घंटा में 2x स्पीड पे देख के घुसाना चाह रहे हो, तो भाई हमारा ब्रेन तो टायर्डनेस फील करेगा ना जी, करेगा ना। तो सबसे पहले अगर ये गलती कर रहे हो कि पढ़ाई वाले चीज को तुम 2x स्पीड पे देख रहे हो, तो इसको कम करो। भाई ऑफलाइन क्लास को तुम क्या 2x स्पीड पे देखते हो क्या? नहीं ना, वो एक नॉर्मल तरीका से चलता है। तो ये जो लर्निंग होता है ना भाई, लर्निंग एक स्लो प्रोसेस है, इसको आराम आराम से करो। तो पहली चीज की यही सुधारो अपने में, अगर करते हो तो। आगे हम तुम्हें साइंटिफिक 5-6 टेक्निक्स बताऊंगा जिसको तुम फॉलो करना और अपने में बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। याद रखना, 3 डेज का चैलेंज भी तुम्हें एक्सेप्ट करना है। ये जो साइंटिफिक टेक्निक्स मैं अभी तुम्हें बताऊंगा ना, ये भी तुम्हारे लिए यूजफुल तभी हो पाएगा जब तुम 12-13 घंटा पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि यार हाँ बस हो गया, बता दिया आप, हो गया हम फॉलो कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ये भी अपने दिमाग में डाल लो। मेरा वीडियो देखे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा वीडियो देखे तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये तरीका है, इस तरीका को अगर फॉलो करेगा तब सिलेक्शन होगा। ठीक है, वीडियो देखे कभी सिलेक्शन होता नहीं, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं और यही ट्रूथ है। ठीक है, चाहे किसी का वीडियो तुम देख लो। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, मैं कुछ तरीका बता रहा हूं, उसको ध्यान सुना। सबसे पहले यार कि साइंटिफिक टेक्निक में बता रहा हूं कि जब भी तुम पढ़ाई करने के लिए बैठते हो ना, सुबह में, शाम में, रात में, जब भी तुम पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो अपना एक शेड्यूल बनाओ कि आज मुझे ये पढ़ना है। और ये जो है ना, इसमें क्या है कि ये चीज टफ है, ये इजी है, इसको मुझे पहले करना, इसको मुझे बाद में करना, ऐसा एक शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो।
ठीक है। अब जब तुम शेड्यूल बनाते हो उसमें तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि जो चीज डिफिकल्ट होगी, डिफिकल्ट बोलने का मतलब अगर एक नीट स्टूडेंट है तो उसको मे बी फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, आईआईटी वालों कुछ और डिफिकल्ट लगता है, तो जो डिफिकल्ट चीज होगी ना उसको पहले कंप्लीट करना, पहले खत्म निपटा देना। जब तुम इजी वाला सब्जेक्ट, इजी वाला चैप्टर स्टार्ट करोगे उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहेगा, उसमें तुम्हें इंटरेस्ट महसूस होगा कि डिफिकल्ट तुमने पहले कर लिया है, तो इससे क्या होगा तुम्हारा वो इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी। पहली चीज ध्यान रखना कि जब तुम सुबह में उठते हो, जब तुम्हारा एनर्जी लेवल हाई होता है, उस समय डिफिकल्ट वाला चैप्टर, डिफिकल्ट वाला टॉपिक, डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं रेकमेंड करता हूं, मैं खुद करता था, फिजिक्स के 40-50 न्यूमेरिकल सुबह सुबह उठ के सॉल्व कर लो ना यार, तुम्हारा माइंड का एक्सरसाइज हो जाएगा, माइंड का एक्सरसाइज हो जाएगा। ब्रेक योर स्टडी सेशंस, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी तुम पढ़ाई करने के लिए बैठे है ना, तुम डिसाइड किए कि अगले एक घंटा में मुझे केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर लेना है, ठीक है, तो अगले एक घंटा में केमिस्ट्री का वो चैप्टर खत्म होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लोगे और उस छोटे से ब्रेक में तुमने जो केमिस्ट्री में जो पढ़ा था उसको रिकॉल करोगे। अब देखो यहां पे क्या हुआ ना कि जब तुम ब्रेक लेने, तुम्हारा माइंड वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, इससे क्या होगा तुम्हें वो टायर्डनेस फील नहीं होगा, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, तुम्हें मजा आएगा, पढ़ाई को मजे की तरह हमेशा लो। और दूसरा जो होता है 25 और 5 का एक रूल है, 25 और 5 का एक रूल है, मतलब 25 मिनट पढ़ाई करो और 5 मिनट का एक ब्रेक लो, उस ब्रेक में वो जो 25 मिनट तुमने पढ़ाई की है उसको ढक लो और ढकने के बाद रिकॉल करो। ये एक एक्टिव स्टडी हुआ, इससे तुम्हारा फोकस, कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट सब कुछ बना रहेगा, तुम बोरिंग सा फील नहीं करोगे। अगर तुम बोरिंग सा फील नहीं करोगे तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते रहोगे। तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि डू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्टडी, ये सबसे बड़ी पॉइंट है, मैंने हर वीडियो में एक ना एक बार ये चीज मेंशन करा है कि एक्टिवली स्टडी करो। एक्टिवली स्टडी करने का मतलब क्या हुआ भैया कि अगर तुम पढ़ाई करते हो ना तो पढ़ाई करते वक्त कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, अपना माइंड, अपना हाथ, अपना आंख, अपना नाक, हर एक सेंस ऑर्गन को ना इन्वॉल्व रखो। नाक बोलने का मतलब भैया देखो जब भी तुम कोई डायग्राम देखे तो उसको विजुअलाइज करो ना, उसको विजुअलाइज करो, अपने सेंस ऑर्गन के साथ उसको रिलेट करो। इससे क्या होगा ना तुम एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें वो चीज दिमाग में स्टोर भी रहेगा और तुम्हें बोरिंग सा फील भी नहीं होगा, तुम्हें वो याद भी रहेगा। ये एकदम साइंटिफिक तरीका मैं बता रहा हूं, साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं एक इंटरेस्टिंग वे में स्टडीज करने का। जब भी तुम कोई लेक्चर देख रहे होते हो तो लेक्चर देखते समय भी सिर्फ लेक्चर मत देखते रहो, तुम कोई इफर्ट नहीं लगा रहे हो लेक्चर देखने में, इसमें तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो, लेक्चर तुम्हारा टीचर पढ़ा रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं टीचर तुम्हारे कैमरा के सामने, तुम क्या कर रहे हो बस बैठ के देख रहे हो। अरे यार इससे थोड़ी ना होगा, लेक्चर देखते समय एटलीस्ट एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहो, और लेक्चर को कभी 2x स्पीड मत देखना, 2x स्पीड में तब देखा जाता है जब तुम पहले से कुछ सीखे हुए हो, और अभी तुम पहली बार पढ़ाई करना ही शुरू किए हो लेक्चर को और 2x स्पीड में देख रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, सच बता रहा हूं। आज तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ सीखा, तुम्हें लगेगा दिमाग में सब कुछ स्टोर हो गया, लेकिन जब एग्जामिनेशन होगा ना तुम्हारा नीट का, एक एक वर्ड भी तुम्हारा लेक्चरर रिकॉल नहीं कर पाओगे तुम, अगर तुम इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो, सच्चाई बता रहा हूं, करवा लगेगा लेकिन यही सच्चाई है, ठीक है। तो लेक्चर को अभी 2x स्पीड में देखना, और जब तुम कोई चैप्टर, जब तुम कोई लेक्चर कुछ भी देखे हो तो देखने के बाद एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मैं एक काम बता रहा हूं कि तुम समराइज करना, तुम रिकॉल करना, समराइज करना कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहा आज के लेक्चर का, आज के बुक रीडिंग का, मतलब एक तरीके से एक्टिवली तुम पार्टिसिपेट किए हो, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें करना है। और एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में बता रहा हूं कि जब भी तुम कोई लेक्चर पढ़े, कोई चैप्टर पढ़े, कुछ भी पढ़े ना, तो कोशिश करो किसी और को पढ़ा दो। ये एक इंटरेस्टिंग वे हो गया, पढ़ाई को करने का इंटरेस्टिंग वे हो गया, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा, ठीक। या तो किसी और को पढ़ाओ या खुद को पढ़ा दो। एक और चीज बता रहा हूं कि जब भी तुम पढ़ाई करते हो ना, या फिर लेक्चर देख रहे होते हो, बुक रीड कर रहे होते हो, या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, अपने माइंड को ना इंस्ट्रक्ट करो, भैया क्या इंस्ट्रक्ट करना है कि ये करो कि यार ये इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, हो सकता है ये नीट में पूछा जाएगा। मतलब you are participating actively in studies, इससे क्या होगा तुम्हारा माइंड सीखेगा भी बहुत कुछ और नींद
नींद का क्या यार, अगर इस तरीके से पढ़ाई करो तो नींद कभी आएगा ही नहीं। मैं लिख के दे रहा हूँ, कहाँ पे लिखूँ, मैं बता रहा हूँ, सच में नींद कभी नहीं आएगा। अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करो ना कि तुम ब्रेन को कंट्रोल करो, ब्रेन तुम्हें कंट्रोल ना करे। और इस वीडियो में वही बता रहा हूँ कि हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। ये भी मैटर करता है कि तुम्हारा रूम का कंडीशन तत्र बत्र नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कपड़ा उधर फेंका हुआ है, बुक उधर फेंका हुआ है, रूम में लाइट नहीं है, बस एक कोना में पकड़ लिए हैं, बैठे हुए हैं, मरील की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। पढ़ाई हमेशा एक एनर्जी के साथ किया जाता है और एक मोटिवेशन के साथ किया जाता है, एक रीजन के साथ किया जाता है। जिस भी रूम में तुम पढ़ाई करो ना, उस रूम के कंडीशन को मेंटेन रखना, अच्छे तरीके से रूम को सजा के रखना। क्योंकि रूम में क्या होता है, सरस्वती माँ तुम्हारे रूम में रहते हैं, बुक्स है तुम्हारे पास, है ना, तुम वहां से कुछ सीखते हो, तो यार उसको भी तो मेंटेन करना है ना, उसको भी मेंटेन करना। अगर तुम सब कुछ फेंके हुए हो तो भाई कहाँ से तुम्हारे रूम में सरस्वती जी आएंगे, चले जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो रूम के कंडीशन को भी मेंटेन करना है। और जिस भी स्टडी टेबल पे तुम पढ़ाई कर रहे हो, उस स्टडी टेबल पे प्रॉपर लाइटिंग भी रहना चाहिए, ताकि तुम्हारे आंख पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े और तुम्हें नींद सा फील ना हो। तो रूम का वेल अरेंजमेंट, वेल लाइटिंग का ध्यान रखना। और जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते समय याद रखना कि अगर तुम एक घंटे के लिए पढ़ाई किए तो वो एक घंटा तुम्हारे लिए इफेक्टिव स्टडी आवर होना चाहिए। इसमें तुम फोन यूज नहीं करोगे। मान लो तुमने फोन उठाया, हाँ यार ये रील देख लिया, ये रील देख लिया, अब तुमको रील से डोपामिन मिल गया, रील से डोपामिन मिल गया, और ये जो डोपामिन होगा तुम्हें रील से तो मिल गया, तो पढ़ाई से क्या जरूरत है यार। पढ़ाई से क्या होता है, पढ़ाई से डोपामिन तुरंत नहीं मिलता है। पढ़ाई से डोपामिन तब मिलता है जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है जी, सिलेक्शन होता है तब। और हमारा बॉडी का ना एक आदत होता है, वो उसे तुरंत खुशी चाहिए, तुरंत खुशी चाहिए, और उसी खुशी के लिए तुम फोन यूज कर लेते हो, फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज का कि जब भी तुम पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते समय फोन नहीं यूज करना, फोन ऑलवेज ब्रेक में यूज करना, ठीक है। अपने कमरे में जाके रख दो, अगर डिस्ट्रेक्शन इतना ही है तो दूसरे कमरे में रख दो जाके, मम्मी पापा को दे दो, देखो देंगे ही नहीं तुम्हें फोन, ठीक है। अगर इतना करने के बाद भी तुम्हें पढ़ने के समय में नींद आती है, तीन हैक में बता रहा हूँ, उसको अगर तुम फॉलो करना है तो फॉलो कर लेना। देखो सबसे पहला जो मैं खुद भी फॉलो करता था वो ये था कि जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता था ना, तो पढ़ाई करते समय एक कटोरी में ना मैं चूरा और मिक्सर लेके बैठ जाता था, और साथ में एक चम्मच, ठीक है। पढ़ाई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक चम्मच ले रहते थे और उसको चबाते रहते थे, एक चम्मच ले रहे उसको चबाते रहते। इससे क्या हो रहा है, हम एक्टिव, मतलब एक्टिव है, हमारा ब्रेन एक्टिव है, एटलीस्ट हमारा ये जो मोटर सिस्टम है ना ब्रेन का, वो तो एक्टिव है ना यार, चबा रहा है। तो मतलब नींद नहीं आएगी, मैं ये बता रहा हूँ, नींद नहीं आएगी। या फिर एक और चीज़ कर सकते हो, च्युइंगम वगैरह खा सकते हो, है ना, पानी वानी पी सकते हो, अंगूर खा सकते हो। एक और चीज़ कर सकते हो, स्टडी म्यूजिक अपने बैकग्राउंड में प्ले करके रखो। अरिजीत सिंह का म्यूजिक नहीं, तुरंत सो जाओगे, तुम्हें रोना धोना आ जाएगा, मंगनी में तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ब्रेकअप त्रेकअप है तो ये सब हैक यूज नहीं करना। हाँ, ट्राई करना स्टडी म्यूजिक वाला हैक, वो रियली काम करता भी है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। पानी पी सकते हो, ब्रेक में पानी पी लो, ठंडा महसूस होगा। तो ये मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ, इससे तुम क्या है कि अपने आप को चार्ज रख सकते हो, हमेशा चार्ज, फुल चार्ज। छठा पॉइंट में बता रहा हूँ कि जब भी तुम कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हो, है ना, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और उस बीच में तुम्हें ऐसा एनर्जीलेस महसूस हो, थकावट महसूस हो, या फिर फोन छूने का अर्ज हो अंदर से, तो खुद को कंट्रोल करना, बोलना दोस्त बस 15 मिनट, बस 10 मिनट और दे दो, मैं ये कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद। तो ये चीज ना तुम्हें रोकेगा और तुम्हें मतलब आगे पढ़ने में और मदद करेगा। और यार इन सब के बाद भी अगर तुम्हें नींद आ रही है ना, तो मेरा एक बात याद रखना, जो कि मेरे बायोलॉजी के टीचर ने मुझे बताया था कि बेटा अगर तुम्हें लाइफ में आगे निकलना है ना, तो दूसरे को पीछे करना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा जो है ना तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। अगर तुम अभी नींदे पूरा कर रहे हो तो दूसरा है जो अपने बंद कमरे में सपने पूरा कर रहा है, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है। तो भाई भगवान जी होगा ना, भगवान जी अगर ऊपर से देख रहे होंगे ना, तो वो जो देख रहे होंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि यार ये तो सो रहा है भाई, इसको क्या सपना पूरा करवाना है, ये मेहनत कर रहा है, इसको हम सपना पूरा करने में मदद करते हैं। तो भगवान जी भी उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है, याद रखना भगवान जी भी उसी का साथ। लक ऑलवेज नॉट मैटर्स, मैटर्स क्या करता है, तुम्हारा मेहनत। अगर मेहनत करते हो, रियली में मेहनत किए हो, तो सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। मैं तुम्हें अभी जो डे 3 दिन का चैलेंज में बताया था, वो चैलेंज के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ। डे 1 का चैलेंज है एक्सरसाइज चैलेंज। इसमें तुम्हें करना क्या है कि तुम्हारा बॉडी का फिजिकल एक्सरसाइज करवाना है। मतलब जब भी तुम सुबह में उठोगे ना, तो एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। पहले तो अपना टाइम चेंज करो उठने सोने का, 6 घंटा सो और 6 से 7 बजे तक उठ जाओ, ये तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए। डे 1 के चैलेंज में क्या, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है और देखना तुम्हारे में बदलाव हो रही है या नहीं।
एक्सरसाइज करने से हमारा बायोलॉजिकल हेल्थ भी होता है, हमारे बॉडी को एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करके रखता है। दूसरा मैं बता रहा हूँ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा डाइट प्लान न्यूट्रिशनल चैलेंज, मतलब यार अपने आप को पूरा कंट्रोल करना कि आज के दिन में ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी नहीं लेना और देखना तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया अच्छा अच्छा खाना खाने के बाद। अच्छा खाना खाने के मतलब कुछ फ्रूट्स खा लो यार, कुछ बॉइल्ड एग खा लो, चना खा लो उबला हुआ, बाकी नॉर्मल सा खाना खाओ, भात मत खाओ, चावल मत खाओ यार, ठीक है। चावल खाने से नींद आता है ये भी मैं खुद मानता हूँ कि पढ़ने से पहले चावल मत खाओ, रोटी वोटी खाओ जो तुम्हें लाइक उससे नींद नहीं आएगी। कुछ भी फैटी सामान नहीं खाना, डे टू का चैलेंज में ये एक्सेप्ट करना, ठीक है। और डे थ्री का चैलेंज है वो मेंटल चैलेंज है। मेंटल चैलेंज करने का मतलब तुम्हें अपने दिमाग का काम लेना है, है ना, इसमें मेमोरी का एक्सरसाइज करवाना। इसमें तुम क्या कर सकते हो ना यार कि रिकॉल कर सकते हो, रिकॉल कर ऐसे तो कर बहुत कुछ सकते हो, मैं रिकॉल में इसलिए कर रहा हूँ इससे तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। आज तुम अगर मेंटल एक्सरसाइज आज तुम करने वाले हो, तुम क्या करो कि कल जो भी तुमने पढ़ा था ना उसको एक बार रिकॉल करो और देखो तुम्हारे लिए वो यूजफुल हो रहा है कि नहीं, तुम्हारा दिमाग वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा। दूसरा है सॉल्व माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, इसका कहने का मतलब फिजिक्स का कुछ अच्छा क्वेश्चन उठाओ और उसको सॉल्व करो सुबह सुबह, देखो तुम्हें पूरे दिन कितना एनर्जेटिक फील होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ऐसे पजल वगैरह सॉल्व कर सकते हो तो करो, बाकी अपने आप को डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया इन सब चीजों से दूर रखो और एक प्रॉपर स्लीप लो। रात में फोन यूज मत करो, रात में सोने से पहले फोन यूज मत करो, ये सबसे बड़ी चीज है, और प्रॉपर स्लीप लो, ठीक है। यही सब चीजें होता है ना जो हमारे माइंड को ना चेंज कर देता है, धीरे धीरे खा जाता है हमारे माइंड को, ठीक है। तो इन सब चीजों पे काम करो और देखो तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और जो भी तुम अभी होगे ना वो तुम एक ट्रांसफॉर्म खुद को देखोगे अगर तुम इन सारे चीजों को 7 से 8 दिन तक फॉलो कर लिए तो, ठीक है। आई थिंक ये जो वीडियो है तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल हुआ, और जो एनर्जी मैंने मेंटेन कराया ना वैसा एनर्जी हमेशा तुम खुद में रखो पढ़ाई को लेकर। बाकी अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसको ऐसा लगता है कि पढ़ने वक्त उसे नींद आने लगता है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दो, हो सकता है उसका भी भला हो जाएगा, थोड़ा सा कंपटीशन ही बढ़ जाएगा ना यार, क्या हो जाएगा, बट किसी का भला भी तो हो जाएगा ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। पहले अप्लाई जरूर करना, ठीक है, अप्लाई करोगे तभी चेंज आएगा, ठीक है, बाय बाय।